बस एक साथ में करते खेलते हैं। मैडम 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 आप बटे ना, अरे एक साथ में करो। कम क्लोज कम क्लोज कम क्लोज। अरे और कितना क्लोज कारण में साथ में दोनों का। अंदर ही अंदर ही अंदर ही चलो अंदर ही गिर जाओगे। अरे अंदर अरे गिर जाओगे यार। अबे चप्पल बे भैया ले लो। हां ले लो सोलो ले लो आराम। लाड अंदर अरे आते भाई 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 एक नंबर सर। अरे सफर में बस हो गया चल। एलविश भाई भाई यहाँ पे एलविश भाई यहाँ पे साइड हो जाओ मेरे को जाने दो। एलविश भाई यहाँ पे एलविश भाई इधर वेट 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 भाई यहाँ पे भाई भाई इस तरफ इस तरफ। पीछे कौन खड़ा हो रहा है मोबाइल लेके? बैठो ये भाई बैठो ये आंटा ये पीछे एलविश भाई इधर अनुष भाई करण भाई ये चाहिए इधर इधर भाई भाई इधर कम भाई सामने यहां पर पहले जगह चलो अभी शुरू करो भाई ट्राइपॉड शुरू करें। ओके वेल इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी बींग एन एक्टर फॉर 22 years। बट उसके बाद कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हो गए जहाँ पे पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी दैट क्यों नहीं आप गाते हैं, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग फॉर बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो सब ने कहा कि वहाँ पे यूजुअली क्या है सिंगर्स आते हैं, तो मैंने कहा तो मैं पहला एक्टर हूँ जो सिंगर बन के फिर आएगा। सो ऐसे समझाया गया बहुत सारी चीज़ें एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन आई मेट MD। सो ये सारा कराया सारा श्रेय इनको ही जाता है, बिकॉज ऑफ हिम आई एम सिटिंग हियर आफ्टर सिंगिंग माई फर्स्ट सॉन्ग। सो देन बड़ी ग्रेशियसली ही गेव मी हिज सॉन्ग टू सिंग एंड हमने ये प्रोडक्ट फिर हमने शूट किया, पिछले अप्रैल शूट किया था, देन दिसंबर में हमने वीडियो शूट की है विद श्वेता MD एंड फाइनली द सॉन्ग हैज़ रिलीज टुडे एंड एल्विश इज़ हियर विद अस। सो आई थैंक हिम फॉर बीइंग हियर। सो इट्स बीन अ ग्रेट एंड बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत एक्सपेक्टेशन है। आई होप आप सबको अच्छा लगे, बिकॉज कोई ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने भी, बस दिल से गा दिया है, बाकी आप लोगों के हाथ में है। सो गिव इट ऑल द लव। जी अब क्या है, अब एक्टिंग आप मुझसे कभी भी करा लीजिए, इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। बट जैसे अब ये इतने सालों से गा रहे हैं, बट इन्होंने जो लोग बैठे हुए थे बिकॉज हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से 2 घंटे में ही गाया था मैंने भी, बट द टीम दैट वॉज सिटिंग बिकॉज पंजाबी में गा रहे थे तो वर्ड्स भी सही निकलने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। सो दे वर वेरी पेशेंट, अच्छे से गा लिया एंड इट हैज़ कम आउट वेरी वेल आई थिंक। नहीं नहीं मैं तो पंजाबी हूँ बट मैंने कभी पंजाबी बोली नहीं थी, बट देन आई डिड अ शो इन पंजाबी जी पंजाबी पे मैंने किया था मावा ठंडिया चावा, तो एक साल तक वो प्रैक्टिस हो चुकी थी तो सिंगिंग वॉज ईजी कमिंग बैक टू इट, बट देन येस फाइनली आई डिड इट। सो दो दिन बाद मेरे पास गाना भी आ गया, गाना माइंड में जो आया मैंने विन को बोला कि विन ऐसा कुछ गाना करो, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे गाना भी भेज दिया और मैंने इनको सुना भी दिया, इन्होंने याद भी कर लिया, 2 दिन बाद हमारी रिकॉर्डिंग भी होगी। बहुत अच्छा हुआ, यानी जो सोचा था ना मैंने फटाफट हो गया एक्चुअली ये ऐसा कर पाएंगे,
अरे साइन से टाइम सिंगर इनसे बेटर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और करण सर को मैं मतलब लास्ट टू ईयर से जानती हूँ बट साथ में काम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम एमडी सर के साथ भी किया है और करण सर के साथ भी किया है, तो बहुत अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस था। दुबई हमने शूट किया था, वन वीक के लिए हम गए थे, तो बहुत आराम से स्मूथली हमारा शूट चला और बहुत मजे किए और पता भी नहीं चला शूट कब कब में हो गया। आई थिंक वो दिख भी रहा है शायद वीडियो में, इट हैज कम आउट वेरी वेल। स्पेशल है इस पाइने में भी, करण सर का ये पहला सिंगिंग डेब्यू है और हमारा ये फर्स्ट चैनल है जिसका ये सेकंड सॉन्ग है और हम चाहते हैं कि आप सभी प्यार दें। मैं तो ये मेरी फैमिली है, मैं बताऊं एमडी भाई मेरे बहुत क्लोज हैं, बाकी करण भाई से मैं एक बार और भी मिल चुका हूँ, श्वेता जी से भी मिल चुका हूँ, मैम से मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, तो मैं तो ये बोलूँगा गाना बहुत अच्छा है, पहली बारी के हिसाब से बहुत अच्छा गाया है भाई ने। थैंक यू थैंक यू। और एमडी भाई तो गाते ही बहुत बढ़िया है, तो गाने को प्यार दो और इस लेबल को सपोर्ट करो, आप लोगों के सपोर्ट से ये और आगे बढ़ेगा और अच्छे अच्छे गाने आएंगे इसमें टाइम के साथ। एलविश का भी आने वाला है शायद, अगला गाना मेरा ही है। सो वॉट आई स्टार्टेड डूइंग वॉज, जब से ये रिकॉर्ड हो चुका था, गाना मेरे पास आ गया था, तो मैंने अपने दोस्तों को ऑफकोर्स सुनाया, तो मैं क्या करता था पहले सुनाता था और फिर बोलता था कि ये नया सिंगर कैसा है, बिकॉज एम डी को तो जानते ही हैं लोग, कहते हाँ अच्छा है मतलब आवाज़ फ्रेश लग रही है, मैंने कहा मैंने गाया है, कहते अरे तूने कैसे गाया, कहते फिर हम फिर सुना ज़रा। एंड दिस हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर म्यूजिक डायरेक्टर्स, हु आर जैसे मीत ब्रदर्स है, मीत भाई को सुनाया, श्वेता को सुनाया, सब लोग ही दे कुड रिकॉग्नाइज दैट इट्स मी, but it's been a great journey, so I'm enjoying every bit of it. I think more than believing कि I would be able to sing, we connected on a very different level, जो जैसे मिलते ही मिलते भाईचारे वाला वो फील आ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कर लोगे आप प्रैक्टिस करो, तो फिर मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ये हमारा प्लान एक ऐसा था क्योंकि देखो हरियाणा पंजाब का बहुत प्यार है, वो ये ना हरियाणा पंजाब एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस हरोट बदल के लेते हैं कि हर बंदा सुनेगा। देखो हरियाणा में हिंदी का टूटा भाग है, लोग समझते हैं ना, पंजाबी बीट के हिसाब से लोग सुनते हैं, अगर साउथ में बज रहा है तो सिर्फ वो वर्ण समझ नहीं आता, वो सिर्फ दिमाग में म्यूजिक बज रहा है, तो हमने वही म्यूजिक किया है और बस जो वर्ड है सुरमा सोनिए हाय तेरा सुरमा, वो बड़ा कैची है, बंदे को ऐसा लगता है कि ये गाना बहुत ही सुपर और बहुत ही हिट होगा, बड़ा कमाल। Yes. मैं सुना दूंगा, मैं भूल गया रे सर, ऐसे मत बोलो, मैं उससे स्टार्ट कर अरे तो बीच में से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन भाई मैं लाइव सुनना है मुझे। जादू तेरा अरे क्या था जादू तेरा, कोई नहीं हां फर्स्ट वेट वेट वेरी गुड, सुनमा सुनमा सोनी है, प्ले कर लो सर, प्ले प्ले कर लो आप इसको ना थोड़ा, हां रेडी रेडी। जादू केड़ा किता है तू दस दे मुंडे तेनू रहन बस तक दे पैरां विच चांजरा कड़ोड़ दिया ने कन्नां विच झुमके हैं लख दे जादू केड़ा किता है तू दस दे मुंडे तेनू रहन बस तक दे पैरां विच चांजरा कड़ोड़ दिया ने ते कन्नां विच झुमके हैं लख दे बस बाकी एम भी करे। मैं ना अपना जॉनर चेंज कर रहा हूँ, मैं बंगाली सॉन्ग्स में आ रहा हूँ, बंगाली फिर भोजपुरी फिर धीरे धीरे तमिल तेलुगू कन्नड़ मलयालम इसमें आ रहा हूँ, मैं तो बॉलीवुड छोड़ दिया मैंने, मैं दूसरा जॉनर बन अभी मिल एक हफ्ते बाद मिल जाएगा।
रीजनल में आ गया। यस, हम लोग दुबई गए थे एंड ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए गए थे। तीन चार दिन हमने शूट भी किया डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस एंड कभी बोट में थे, कभी सैंड में थे, सो डिफरेंट बहुत मज़ा आया, मस्ती थी। सुबह सुबह उठ के हम लोग भाग रहे थे, जहाँ मिल रहा था शूट कर रहे थे। सो वी कैप्चर्ड, आई थिंक द आइडिया वॉज कि ग्रैंड दिखना चाहिए एंड आई थिंक द स्टाइलिंग वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, वी वर लुकिंग ऑल्सो वेरी गुड और हंसते खेलते हो गया। गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब मतलब ताम झाम तो भाई ने कर ही लिया था अरेंज। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं यार, आई वुड लव टू, अगर अगर वो बोलें तो। वैसे अभी तक तो कोई प्लान नहीं बनाया ऐसा, बट अगर वो चाहेंगे तो हो जाए। Thank you. Yes. You want us to sitting only? We'll do it. Should we start? Table rahegi. हाँ बहुत चालू नहीं है।